वैसे आप जानते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में शादी सिर्फ एक जन्म का पैकेज डील नहीं होता, ये तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जी हाँ, और इस रिश्ते को निभाने के लिए ना बहुत परसिवेरेंस चाहिए होती है। अब टीवी वालों को भला कौन समझाए, यहाँ तो आज शादी तो कल दूसरी शादी, माय गॉड समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। अब झनक में देख लीजिए, अनिरुद्ध का दिल तो झनक पे आया हुआ है लेकिन शादी वो किसी और से कर रहे हैं। इस बीच फाइनली ऐसे लगने लगा है कि वो दिन आ गया जब अनिरुद्ध का घर छोड़कर झनक चली जाएगी। अब कोई पैंतरा आजमाना पड़ेगा अनिरुद्ध को। क्या झनक का दाना पानी इस घर में ही बस इतने ही दिनों का था? क्या अमोदी के साथ उसका साथ बस इतने ही दिनों का था? अब इस सीन को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि फाइनली झनक इस घर को छोड़कर अपने घर यानी कि श्रीनगर चली जाएगी। फिलहाल घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि झनक ये घर छोड़कर जाए। अब अपुदी को तो हम सब जानते हैं कि वो झनक से कितना प्यार करती है। अनिरुद्ध भी नहीं चाहता है कि झनक जाए, और तो और दादाजी भी खिलाफ हैं कि झनक नहीं जाए। लेकिन दादाजी ये भी जानते हैं कि झनक यहाँ पर रहेगी तो सबके ताने ही सुनेगी। झनक एक अप्पू की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक दोस्त बन गई थी झनक अप्पू का। तो इसलिए झनक जा रही है तो ऑब्वियसली जो उससे प्यार करते वो तो दुखी है ही, और अप्पू बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल है, वो बहुत टूट गई है बेसिकली। उसको कभी लगा नहीं था कि, और वो सोचती है बच्चों बच्ची जैसी सोचती है, तो उसको पहले तो उसको लगा था मैंने चप्पल छुपा दिया था वो नहीं जा पाएगी, पर जो रियलिटी जब सच में उसके सामने आती है तो वो ले नहीं पाती है, वो टूट जाती है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि अनिरुद्ध अमुदी को ये बता रहा है कि देखो झनक सच में जा रही है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अमुदी जिद करे और झनक रुक जाए, लेकिन इस बार झनक रुकने वालों में से नहीं है, वो जाएगी। किडनैप भी होगी और उसके बाद बहुत सारी मुसीबतों में भी फंसेगी। और कभी वापस नहीं आएगी। नहीं। मुझे पता है आप इन्हें भुला नहीं पाएंगी, लेकिन आप अपसेट मत हो, अपनी आंखें बंद करोगे ना आप इन्हें अपने सामने पाओगे, आप इनसे बातें करोगे, आप इससे बातें करोगे आपको लगेगा ये आपके सामने बैठ गई, आपको जवाब दे रही, जब कोई आपको खाना खिलाएगा तो आपको लगेगा कि झनक आपको खाना, जब कोई आपको लोरी सुनाएगा ना तो लगेगा कि झनक आपको लोरी सुना रही है, जब कोई आपको प्यार करेगा तो लगेगा झनक आपको प्यार कर रही है, आप प्लीज रो मत। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुसीबत का हल होता है इस छोटे पर्दे के सीरियल्स के राइटर के पास। तो भाई होगी फिर अनिरुद्ध की एंट्री एकदम हीरो वाली, और उसके बाद इस बात का भी तो पता चलेगा कि आखिर झनक को गायब करवाने के पीछे किसका हाथ था, और ले देकर झनक फिर अपने घर यानी कि ये वाले घर लौट आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।